मौसम तो भाई ऐसा है किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी। यही बाइक थी जो पानी में बंद थी। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MYS व्लॉग में। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमें जाना है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस इसलिए जाना है क्योंकि हमारे दोस्त की जो बाइक है वो ईद वाले दिन पकड़ी गई थी और फाइनली वो 3-4 दिनों के बाद आज छूटने वाली है। तो थाने से हमें आया कॉल कि आके अपनी बाइक ले जाओ। तो बस अभी हम जा रहे हैं बाइक लेने और इसी बहाने थोड़ा सा घूम भी लेंगे CP। तो बस इसी के लिए अभी निकल रहे हैं, वो बंदा इंतज़ार कर रहा है नीचे। पहुंच गए जी कनॉट प्लेस। गाड़ी हमारी यहाँ पे नहीं है, हमें पहले यहाँ के थाने में जाना पड़ेगा। पहले थाने जाएंगे, थाने में जाके सब चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद मिलेगा या डायरेक्ट वहीं जाएगा क्या? ले अपन जाएंगे पुलिस स्टेशन, उसके बाद यहाँ से जो भी होगा पेपर वर्क वो करेंगे, उसके बाद जाएंगे बाइक लेने के लिए पुलिस स्टेशन। एकदम 12 खंबा रोड में सीन ये हुआ कि 4 बजे तक ही हमें वहाँ से कुछ भी मिल सकता है गाड़ी वाड़ी। 4 बजे तक लास्ट टाइम है, अभी टाइम हो गए 6 बज रहे होंगे। काफ़ी लेट नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। अब हम जा रहे हैं तिलक मार्ग रोड, वहाँ पे पता चलता है जहाँ पे गाड़ी हमारी पकड़ी गई है। मौसम तो भाई ऐसा है किसी भी टाइम बारिश हो जाएगी और अपने पास बाइक है, कार छुड़वाने के लिए नहीं आए हम, जो अंदर बैठ के चले जाएंगे। देख रहे हो बारिश हुई तो फ़ोन गीला, वॉलेट गीला, हर एक चीज़ गीला। बस जल्दी से यार, जल्दी जल्दी करके बस अभी छोड़ दें बाइक कैसे भी करके। जिस चीज़ का डर था भाई वही हुआ, बारिश होने लगी। अब बाइक मिल भी जाएगी तो भाई बुरा हाल हो जाएगा घर जाते जाते तक, क्योंकि पूरे के पूरे गीले हो जाएंगे, भींग जाएंगे पूरे। पहले बाइक तो मिल जाए। यही बाइक थी जो पानी में बंद थी, इसको बाइक छुड़वाते छुड़वाते ना शाम के 7 बज चुके हैं और बारिश और साथ में ट्रैफिक दोनों ही है भरपूर, और उसी हिसाब से हमें भूख भी लग रही है। अभी तो जाएंगे खाने के लिए, बाकी घर में बहुत कुछ डर दे रहा है भाई। इस बाइक के इंतज़ार में खाने में बैठे बैठे इतनी तेज़ भूख लग गई कि अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और मौसम तो क्या ही कहना, क्या लाजवाब मौसम है ये देख लो। अभी हम जा रहे हैं शायद मोमोज खाने जाएंगे मिंटो रोड, वही ऑप्शन है हमारे पास। जी भटकते भटकते मिंटो रोड मोमोज खाने।